खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिनों दिन बिगड़ते कांग्रेस के हालातों की अब जरूरत है एक लोकप्रिय नेता की, जो हरियाणा कांग्रेस की कमान संभाल कर कार्यकर्ताओं में जोश भर सके और आने वाले विधानसभा चुनाव में अच्छा परिणाम ला सके। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जहां मायूसी छाई हुई है, वहीं वो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई चमत्कारिक परिणाम लाए। सभी नेता व कार्यकर्ता अपने अपने हिसाब से अपने सुझाव हाईकमान तक भेजने का काम कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच एक चर्चा ज्यादा गर्म है, वो है दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मानना है कि दीपेंद्र हुड्डा ही एक ऐसा चेहरा है जो भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता को कड़ी टक्कर दे सकता है, क्योंकि एक दीपेंद्र ही अकेले ऐसे कांग्रेसी उम्मीदवार थे जो सबसे कम वोटों से कड़े मुकाबले में चुनाव हारे हैं। ऐसे में एक ये भी खास है कि पिछली बार भी मोदी की लहर को उत्तर भारत में रोकने का काम दीपेंद्र हुड्डा ने किया था। दीपेंद्र हुड्डा के बारे में ये भी माना जाता है कि वो जनता के बीच ज्यादा लोकप्रिय इसलिए भी हैं कि वो सरल व नरम स्वभाव के हैं, जिसकी वजह से जनता के बीच उनका दबदबा बना रहता है। खुद उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के दौरान भी वो अपने ऐसे ही व्यक्तित्व के लिए जनता के बीच अपनी पैठ कायम रखते थे। दीपेंद्र हुड्डा जनता के बीच घुल मिलकर जनता की समस्याओं का समाधान करते थे। अब ऐसे में अगर कांग्रेस अपने इस चेहरे में दांव खेले तो शायद ये उसके लिए घाटे का सौदा ना हो और कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाया जा सके। केएनएन मीडिया के लिए राजेंद्र कुमार के साथ अरुण दुहन की ब्यूरो रिपोर्ट। जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट।